पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट है, और तो ये फिर ये बीइंग सबॉर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल व्हाई नॉट कोऑपरेटिंग विद पाकिस्तान टू मिटिगेट करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग है ना। एफआईए जो है वो इंटरपोल को हम जाके आगे देखेंगे, वो टॉपिक है हमारा क्रिमिनोलॉजी में ना। इंटरपोल जो है नहीं सब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना, उनको कॉपरेशन उनके साथ हम जितना करते हैं तो वो भी हमारे साथ उतना ही जो है वो काम करता है। ठीक है, हम वो हमारा बाकायदा टॉपिक है, हम उसे जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपके क्वेश्चन का डिटेल से आंसर करूंगा। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द साइबर क्राइम जो है वो, अब इनके दरमियान बड़े रिलेशनशिप है जी। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो इसको पढ़ते हैं। क्रिमिनल जो है, इन्होंने सोचा कि यार दुनिया चांद पे पहुंच गई है तो हम भी क्यों ना चांद पे पहुंच गए। किस किस के साथ कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट यूज करते करते जो है वो उसने कहा मुबारक हो, आप इतने MB जीते हैं, आप इतना इनाम जीते हैं, हम आपको कॉल कर रहे हैं, ऐसा आपके सामने होता है ना कि आपको वो फॉर्म भेजते हैं कि ये 10 ग्रुप्स में शेयर करें तो अब आपके पास जो है आप ये इनाम जीत जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्हील आ जाता है, 3 व्हील है, उसको घुमाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो जब आप घुमाते हैं फिर वो कहते हैं कि इस मैसेज को इतने ग्रुप्स में शेयर करो। ठीक है, फिर आपको कभी कभी ये कहते हैं कि फलां कंपनी जो है वो अपने वाले जो है 50 साल मुकम्मल होने पे 5 GB दे रही है, 10 GB दे रही है, फिर इसको जो है वो कह रहे हैं। वो क्या है सारे का सारा जो है वो, ये है अब हमारे पास जो है ये सारे का सारा आपका डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है ताकि आपके डेटा को स्टील किया जाए। ठीक है, जब आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है तो उस वक्त आप प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक कॉमन सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप पाकिस्तान में वो 300 400 500 बचाने की खातिर स्कीम लेते हो ना, यहाँ से जो घर में आते हैं, तो आप उन्हें अपने अंगूठा दे रहे होते हो, अपनी शनाख्त दे रहे होते हो, अपने जो फिंगरप्रिंट है वो दे रहे होते हो। अब वो आपकी डमी तैयार करे, किसी भी ATM पे जाए, CNSE तो हर बंदे का मौजूद होता है, और अब वो वहां पे जाके आपके अंगूठे को स्कैन करे और अकाउंट को एक्सपायर कर दे। तो ये लोग जो है इसे कहते हैं डाटा ब्रीच करना। ठीक है, तो इसीलिए बैंक वाले जो है वो कहते हैं OTP ये वो किसी को ना दें, क्योंकि ये ग्रुप इतने मजबूत हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये इंस्ट्रक्शन को दे देता है कि आप अपनी मालूमात किसी को ना दें, उन्हें मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं होते हैं, इतने ऑर्गेनाइज जो है वो ग्रुप है। अच्छा जी, अब ये जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर जो दूसरी बड़ी बात होती है वो है एनोनिमिटी। ये जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है वो एनोनिमिटी के हवाले से भी जाने जाते हैं। चलिए इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एनोनिमिटी क्या होती है और किस तरह से प्रोसीड फर्दर करती है। जी मानो प्लीज। Organized crimes group leverage the anonymity and global reach of the internet to conduct their cyber operations. They develop specialized skills or recruit experts in cyber crime to facilitate their criminal endeavors. For example, they may hire hackers to breach the security systems of financial institutions, steal sensitive data, and carry out fraudulent transactions. जी मैंने बताया था कि अब जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है, अब तो गरीब माँ बाप का बच्चा है उसने जो है वो IT में गोल्ड मेडल ले लिया, अब रियासत के पास जॉब नहीं है उसको देने के लिए। अब जो है ये क्रिमिनल क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे कि जी हम आपको 2-3 लाख रुपए महीने पे जॉब देंगे, आप हमारे लिए काम करें, कुछ भी नहीं करना, वर्क फ्रॉम होम है। अब आप जो है वो इस पर्टिकुलर जो है वो कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करें। ठीक है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर होता है, इनका जो सेंसिटिव डेटा है इसको सील करें और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज देखें। तो ये लोग वो हैं जो कि एनोनिमिटी को मेंटेन रखते हैं और ये ग्लोबली जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, रियासत जो है वो इसको ग्लोबली सतह पे जो है वो करते हैं। एक हमारे पास जो है एक मूवी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की मूवी है, इनका नाम जो है वो लिख लीजिएगा। मेरा ख्याल है एक तो माई ब्यूटिफुल माइंड है, एक और मूवी है, मैं उसका नाम आपके ग्रुप में भेजूंगा। वो बंदा इतना ब्रिलियंट होता है, इतना ब्रिलियंट होता है कि वो बैंक के अंदर चेक उसके निकालता है, चेक तैयार करता है और बैंक में जाके कैश करवाता रहता है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों का वो जो है वो चूना लगा देता है। ये जो डार्क वेब होता है ना, डार्क वेब एक और चीज होती है, वहां पे डेटा सेल होता है और उसको तो एक्सेस करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। हाँ उसमें भी हो सकता है। तो ये है जी कि ये एनोनिमिटी होती है। अच्छा जी, अब ये वेरियस सेक्टर्स को मुतासिर करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर को ही करते हैं। अब ये हेल्थ सेक्टर्स पे करेंगे, पाकिस्तान में तो हेल्थ सेक्टर्स में तो मौजूद नहीं है, जो जिन लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तफाक हुआ वहां पर रहने का, हमारे पास जो है हेल्थ सेक्टर्स में उन लोगों ने
मिसाल के तौर पर आमिर साहब पैदा हुए हैं, तो पैदा होते ही उसने हॉस्पिटल ने इनके रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया, 34601 वगैरह वगैरह जो भी इनका आईडी कार्ड है, अब वो आइडेंटिटी है पूरे के पूरे पाकिस्तान में। अब किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के लिए तभी जो है, जिसमें से जब हमें कुछ सिम परचेज करनी होती है, CNIC देंगे तो सिम मिलेगी, इसी तरह से वो हेल्थ केयर कहीं पे भी चले जाएंगे, अपना ये CNIC बताएंगे, डॉक्टर उनकी जो है वो ओपन करेगा, हिस्ट्री ओपन करेगा। अब आमिर साहब की हेल्थ केयर सब सामने आ जाएगी कि बचपन में ये इंजेक्शन से, बड़े हुए ये, एक पूरी हिस्ट्री बन जाएगी। इसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी हिस्ट्री जो है वो, इनके ऊपर इतने केसेस से इतना ये था। अब ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज में इस डाटा को ब्रीच करते हैं, क्रिटिकल सर्विसेज देते हैं, उन्हें पता है कि आमिर साहब की हेल्थ के ये वाले इश्यूज हैं, या इस बंदे को हेल्थ का ये प्रॉब्लम है, अब वो उस बंदे को उस तरह की मेडिसिन देंगे ताकि ये बंदा डाउन हो जाए, समझ रहे हो आप जो है उनको, उसको उस तरह की मेडिकेशन देंगे कि अच्छा इसके ड्रिंक में ये मिलाओ, ये जो है वो जल्दी से जो चला जाएगा। सर जी, क्रिमिनल गैंग का रुकन कभी गैंग को छोड़ नहीं सकते, नहीं वो गैंग नहीं छोड़ सकता, गैंग छोड़ सकता है लेकिन फिर उसे अलमिया के पास जाना पड़ेगा, फिर वो ऊपर चला जाता है, ऊपर से वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि क्या चल रहा है नीचे। क्रिमिनल गैंग का रुकन कभी भी नहीं छोड़ सकता, उसको मरना ही मरना है, ठीक है, उसे इस दुनिया से जाना है, और वो कभी भी किसी भी गैंग का बंदा जो है वो छोड़ता नहीं। जिस तरह से ना वंस अगेन द गॉड फादर है, एक मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, मैं रिकमेंड करूंगा देखिएगा, उसके अंदर भी ये गैंग ही जो है वो सारे, और नवाज शरीफ साहब को भी 2016 में उन्होंने कहा था कि आपको जो है वो द गॉड फादर है करप्शन के। सो जी, ये जो है वो हमारे पास वेरियस सेक्टर्स से हेल्प आउट करते हैं। हम तो पाकिस्तान में समझते हैं सिर्फ फाइनेंशियली जो है वो लॉस पहुंचाते हैं, नहीं, ये लोग जो है वो तमाम के तमाम इंडिविजुअल से, बिजनेसमैन से, गवर्नमेंट से, तमाम के तमाम लोगों पे अटैक करते हैं, और इस तरह से अटैक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो उनके डाटा को ब्रीच करते हैं। जी आगे चलते हैं जी, मेजर ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड साइबर क्राइम। जी मानो साहब, करंट ट्रेंड्स। मेजर ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड साइबर क्राइम्स। करंट ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइज क्राइम इंडिकेट इट्स ग्लोबल रीच एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशंस अक्रॉस बॉर्डर्स, फॉर्मिंग ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स। दे एंगेज इन अ वाइड रेंज ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ काउंटरफीट गुड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग। फर्दरमोर, क्रिमिनल ग्रुप्स हैव डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो बाय इनकॉर्पोरेटिंग साइबर क्राइम इन टू देयर ऑपरेशंस, इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी फॉर फाइनेंशियल गेन। अच्छा जी, एक जमाने तक जो है वो दुनिया ग्लोबल विलेज थी, अब क्रिमिनल्स की रीच जो है वो ग्लोबल रीच है। क्रिमिनल्स कभी कभी अपने मूवीज में देखा हो कि उनमें एक क्रिमिनल के पास कई कई किस्म के पासपोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो पासपोर्ट जो है वो सिर्फ मूवीज में, रियल लाइफ में भी ऐसा एग्जिस्ट करता है। ये जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इवन पाकिस्तान का ISI का बंदा जो है वो किसी भी कंट्री में कभी भी जा सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। इंडिया के जो हमारे पास बहुत से जो रॉ है, रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, बहुत मौजूद है। एक ऐसी रियलिटी है जो हम लोग समझते हैं कि वो यहाँ पे शायद नहीं होते हैं। पाकिस्तान के ISI के तकरीबन उनके हर शहर में मौजूद हैं, इंडियन रॉ के जो है वो हर शहर में मौजूद है, और इसी तरह से रशियन अमेरिका में है, और इसी तरह से है कि उन लोगों की नस्ल दर नस्ल वहां पे आबाद है, यानी कि कोई भी नहीं जानता, ठीक है। ये स्टेट्स हैं वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, बल्कि बाज अवकात तो उनकी आर्मीज के अंदर भी बंदे चले जाते हैं। सो जी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम वाले जो लोग होते हैं, ये भी इसी तरह से ग्लोबल रीच रखते हैं। देखिए, दिन रात सुबह शाम उनका एक ही बिजनेस होता है, इस काम को कैसे करना, अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करते हैं कंट्री से बाहर, जिस तरह से अफगानिस्तान से आज भी हशीश चर्च जो चर्च है वो आती रहती है, ड्रग की ट्रैफिकिंग होती रहती है, आज भी पाकिस्तान से चाइना में खवातीन जो है वो जाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नया ट्रेंड था। एक जमाना था कि जब पाकिस्तान से जो है वो चीजें जाना मुश्किल होता था, मसला ये था कि मुश्किल क्यों होता था, कि ऑर्गेनाइज क्राइम वालों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इशू होता था, लेकिन आज जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं। एक हमारे फेसबुक पेज पे जुनेद ने वीडियो अपलोड की थी, मैं देख रहा था, उसमें उसने जो है पाकिस्तान जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास एक सर्विस होती है कस्टम्स डिपार्टमेंट है, उसकी तूरखम बॉर्डर पे जो CSP ड्यूटी दे रहे थे, उसमें उसकी वीडियो जो है वो शेयर की थी।
अब तुर्को बॉर्डर पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसे देखें ना क्लास एंड तो वहां पे पेज पे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन कैसे रोकते हैं ये तो हम सबको पता है। नेक्स्ट हमारे पास भी इमर्जिंग साइबर क्राइम टेक्निक इंक्लूडिंग रैंसमवेयर अटैक में ये बता चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है, लोगों से पैसा लूटने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इसके बाद भी ट्रेडिशनली जो है वो हम इसका क्या है जी, ट्रेडिशनली जो है ट्रेडिशनल तरीके में ये होता था कि पुराने जमाने के अंदर जो लोग थे उनका आसान सा तरीकाकार होता था, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज उनके पास नहीं होती थी, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर दिया, प्रॉफिट्स बढ़ गए, ट्रेडिशन लॉ से जो है हम बच गए, अपनी इन्होंने जो है वो तंजीमें बना ली और अब जो है ये लोग बचने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जी मेजर ट्रेंड है, इसमें तब्दीलियां क्या है। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनाइज क्राइम साइबर क्राइम सिनर्जी, जी इसे पढ़ते हैं जी प्लीज। मानो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट Law enforcement agencies and governments employ various strategies to combat the synergy between organized crime and cybercrime. This includes enhancing cybersecurity measures, developing specialized units to investigate and prosecute cyber criminals, and promoting information sharing among different agencies and countries. Collaboration between law enforcement and private sector is crucial for timely detection and response to cyber threats. जी। ये बताता है कि ये तो ऊपर सब क्रिमिनल्स की बातें कर ली है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट जी इनहेंस कर रही है उनकी साइबर सिक्योरिटी, वो कोशिश करती है, वो डेवलप करती है स्पेशलाइज यूनिट्स को ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें प्रोसिक्यूट करें। और वो जितना तो करते हैं वो आपको पता ही है कि मुख्तलिफ एजेंसी आपस में मिलकर कोशिश करती हैं। जैसे FIA है, ये FIA रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के अंदर जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं, इवन साइबर क्राइम को भी यही डील करता है। तो इन लोगों की कोलेब्रेशन होती है मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ जो है। तो एक तो उसने बताया कि इस तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि पब्लिक प्राइवेट जो है वो पार्टनरशिप भी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि ये लोग जो है वो कोलेब्रेशन करते हैं मुख्तलिफ जो है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ, उनको जो बताते हैं कि जी हमें इन किस्म के कम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, अब हमें जो है वो हेल्प आउट करें जी। ये लास्ट तरीका मानो एड्रेसिंग द ऑर्गेनाइज क्राइम। Addressing the organized crimes, crime, cyber crime synergy requires innovative technological solution, robust legislation, and international cooperation. Technological advancement can help develop more sophisticated tools to detect and prevent cyber attacks. Legislation should be continually updated to address emerging cyber threats and prevent law enforcement agencies with the necessary legal frameworks to combat organized crime in the digital age. Additionally, international cooperation is crucial for sharing intelligence, harmonizing legal approaches, and collectively combating the global reach of organized crime syndicates. अच्छा जी ये देखें कि उसने कहा है कि ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इसके लिए चाहिए होता है, रोबस्ट लेजिस्लेशन चाहिए जो कि कभी भी नहीं हो सकती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए जो कि कभी भी नहीं मुमकिन है। ये आइडियल जो सिचुएशन है कि कोई कंट्रीज सारी की सारी कंट्रीज जो है वो क्राइम्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त है वो स्पेन में होता है, होते तो स्पेन में नहीं है, होते तो वो बेल्जियम में है, लेकिन वो स्पेन में टैक्स फाइल कर रहे हैं कंटिन्यूसली ताकि मुझे वहां की नेशनैलिटी मिल जाए और मैं बाद में वहां पे रह लूँ। अब ये किस तरह से मुमकिन है, एक ऑर्गेनाइज एक बंदा वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, पाकिस्तान में बैठे हुए हो और वहां पे टैक्स फाइल करते चला जाए, वो आपके नाम की एजेंट हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग करेगा, आपके नाम से टैक्सेस को जमा करवाएगा, पर आप जो है वो 2-3 साल के बाद जो है वो उनके शहरी बन जाओगे। एजेंट को क्या फायदा है, वो जितनी शॉपिंग कर रहा है वो आपके नाम से कर रहा है और आप जो है वो अपनी नेशनैलिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट अब उनको कैसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कहता है कि लेजिस्लेशन शुड कंटिन्यूअली अपडेटेड टू एड्रेस, उन्हें अपडेट खुद को करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन से अपडेट होती रहती है, ये भी अपडेट करते रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैंने बताया ये एक आइडियल सिचुएशन है, वो क्या पेपर में नहीं लिखोगे, अब बताओगे कि ये सारी की सारी चीजें। एडिशनली इंटरनेशनल कॉपरेशन इज क्रूशियल फॉर शेयरिंग इंटेलिजेंस, हार्मोनाइजिंग लीगल अप्रोचेज एंड कलेक्टिवली कॉम्बैटिंग द ग्लोबल रीच ऑफ ऑर्गेनाइज, कि हम जो है वो इंटरनेशनली जो है वो जब ट्राई करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ये मुमकिन है कि हम इसको कर सर जी। किसी हद तक ये ऑर्गेनाइजेशन फायदा भी देते हैं, ऐसे काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती इनसे करवाते हैं। हाँ यार ये देखे ना आमिर, अब हमारे पास ऑप्शन है कानून को हाथ में लेने का। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको बिला वजह तंग कर रहा है, जिस तरह से मेरे एक दो स्टूडेंट्स और दोस्त हैं IB में इंटेलिजेंस इससे पहले आई बिन देयर, आई बिन द पार्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट, इट वाज अ कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट, तो
उन्होंने कहा कि जी ये जो मंगल संघ कर रहे हैं फिर इन्हें उठा लेते हैं, ठीक है, उठा के इनके जो है वो 2 4 दिन वो जो हम टर्म कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो उम्मीद है कि इनकी सॉफ्टवेयर अपडेशन के बाद तबीयत काफी ठीक हो जाएगी। तो मैं जरा इन चीजों पे बिलीव नहीं रखता हूँ, खसूसन में किसी से कुछ कहने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, इसके सॉफ्टवेयर को हम खुद ही देखने की कोशिश करते हैं, एक दफा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो फिर मुमकिन है कि प्रॉब्लम ज्यादा जो है वो होंगी। तो यस ये होते हैं, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, आप इनको कुछ भी करवा सकते हैं। लोगों ने बेंजिन भुट्टो को मरवा दिया इनको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और यस इट इज अ रियलिटी, ये एक सैड रियलिटी है, बट अल्टीमेटली ये रियलिटी है, ऐसा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, 1 2 मिनट में मैं उसकी डिटेल्स आपको बता दूंगा, कॉर्पोरेट क्राइम। ये जो हाँ जी, इनसे कौन कोई भी नहीं पूछता है, रियलिटीज ये हैं। रशियन हैकर हो जिनको रशिया सपोर्ट करता है, बिल्कुल जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये कॉर्पोरेट क्राइम जो होता है ना, एक ऐसा क्राइम होता है, एक ऐसा व्हाइट कॉलर क्राइम होता है जो कि सिर्फ जो है ऐसे लोग करते हैं जो किसी कॉर्पोरेट के अंदर सर्व कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर HBL का कोई बंदा है, HBL से सारे के सारे पैसे लेके बाहर निकल जाता है, पाकिस्तान से बाहर भाग जाता है। टैक्सेशन का कोई डिपार्टमेंट है, वहां से बाहर निकल चला जाता है, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स का जो जिस डिपार्टमेंट में रह के अगर वो उसी डिपार्टमेंट को चीज करता है, उनके पैसे देके निकल जाता है, भाग जाता है, वो हमारे पास होता है जी कॉर्पोरेट क्राइम, ठीक है, कॉर्पोरेट क्राइम जो है वो। इसमें टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट की बात कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक था हमारे पास क्रिमिनोलॉजी के 4 सेक्शन में से। क्रिमिनोलॉजी का जो पहला सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस सेक्शन में हमारे पास 2 तरह के सवाल आते हैं, 2 चॉइसेस होती हैं। एक हमारे पास ये लोग जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, लाजमी है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये लाजमी है कि 20 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आएगा, तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अगर हम जो है वो इसके बाद थ्योरीज को भी करते हैं, फिर हमारे पास चॉइस आ जाएगी कि ये करें या ये करें, लेकिन जितने क्वेश्चन आपने किए हैं इनमें से एक क्वेश्चन में लाजमन आना है, ठीक है, और ये दोनों सेक्शन में से उसने एक सेक्शन में से क्वेश्चन पुट करना है। ये जो हमारे पास थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव है, यानी कि ये जो सेक्शन बी चॉइस वाला है, इसको हम अभी इसलिए नहीं करेंगे कि ये सारे के सारे जो है वो थ्योरीज हैं और ये काफी ड्राई हैं, काफी मुश्किल हैं। इवन कि जब आप अपने पेपर में भी करते हैं तो आप इनको बहुत कम टच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास ठीक ठाक चॉइस होती है इसको करने की, और कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो उन थ्योरीज की तरफ जाए, जैसे बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, फिजिकल ट्रेड थ्योरीज क्या है, ठीक है, मुख्तलिफ है, वो पोर्टा थ्योरी क्या है, जॉन कैस्पर की थ्योरी क्या है, फ्रेंच जोसेफ कॉल की थ्योरी क्या है, ये थ्योरीज हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एंड पे इस थ्योरी को करेंगे, वरना इसको हम नहीं करते, हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास आएगा भी क्वेश्चन तो भी हमने जो है वो इसमें से करना है थ्योरी के अलावा। नेक्स्ट हम जो है अगली क्लास में हम चलेंगे सेक्शन 2 की तरफ। ये बाकी जो सेक्शन है ये सारे के सारे वो हम कंप्लीट करेंगे, पहले सेक्शन के एंड पे जाके हमारे पास टाइम बचा तो हम थ्योरीज को भी टच करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं ऑल टुगेदर जो है, लेकिन अभी के लिए हम जो है वो इस चॉइस वाले क्वेश्चन को इसलिए छोड़ेंगे ताकि आपको क्रिमिनोलॉजी जो है वो मुश्किल ना लगनी शुरू हो जाए। क्लियर हो गया जी? टोटल 4 सेक्शन है हमारे पास, हर सेक्शन में से हमने 20 जो है वो क्वेश्चन करने हैं, और 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपके पास जो डेटा है वो मैं कल मुझे मानू साहिबा आप या नईम साहब आप जो है वो याद करवा दीजिएगा, कोई अराउंड ना 12 बजे के करीब, जैसे आप मैं आर्टिकल ऑफ द डे रिकॉर्ड करवा दूंगा, जुनेद अपडेट कर देगा, तो आप जब उस वक्त मुझे करवा दीजिएगा, कल मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। 20 नंबर के 5 हिस्से होते हैं जी पेपर के टोटल जो है वो, सेक्शन 1 2 3 और 4। सेक्शन 1 में आपके पास जो होते हैं जी 2 सवाल आएंगे, दोनों में से एक करना है, 2 सवाल आएंगे दोनों में से एक करना है, 2 सवाल आएंगे दोनों में से एक करना है, 2 सवाल आएंगे दोनों में से एक करना है। ये वाला सेक्शन एमसीक्यूज वाला 20 नंबर का है, इसके लिए मैं नोट्स आपको कल से प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा तैयार करते पहले मैं। अब इन दोनों में से हर हिस्से के लिए जरूरी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। हम अभी क्या करेंगे, हम जो सिर्फ सेक्शन 1 है वो के बाकियों में भी चॉइस है, और लोग क्या करते हैं कि एक एक ही हिस्सा सारे का करवा देते हैं, हम बाकी जो है वो इनके दोनों दोनों हिस्से करेंगे, लेकिन सिर्फ पहले सेक्शन का हमने एक सेक्शन किया और इसको हमने एंड पे छोड़ दिया,
क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज हैं, उनके बगैर भी हमारा काम चलेगा। अगर टाइम बचा तो हम करेंगे, वरना ना भी करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? क्रिमिनोलॉजी में चाहता हूँ आपको रोजे रोशन की तरह आया, मुझे पता चल जाए कि ये है क्या, करना क्या है। और अगर किसी को क्रिमिनोलॉजी मुश्किल लगती है तो वो मुझे बता सकता है, क्योंकि मुश्किल है नहीं और मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल रहने ना दूं। ठीक है जी, आमिरा ने लिखा है यस, मुश्किल लगती है इनको। चलिए जी, अब करना क्या है जी, एक्टिविटी ये है कि घर में जो है वो जैसी क्लास खत्म होती है, एक कप चाय का बनाएं। चाय का कप पीने के बाद जो है, जब चाय का कप पी रहे हो तो प्लीज इस आउटलाइन को सामने रखें। ठीक है, इस वाली आउटलाइन को सामने रखें। ये बाद वाली आउटलाइन भी कुछ मौजूद है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि बेसिकली इन्हीं के साथ ना शॉर्ट पॉइंट्स के साथ जो है वो इन्हें एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन बल्कि मैं इनको ना डिलीट कर देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ना महसूस हुआ कि शॉर्ट पॉइंट से बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ना स्टूडेंट्स को जो है वो सीधा सीधे समझाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये देखते हैं। अच्छा जी, आमिर और नईम ने चाय भेज दी, इनको सामने रखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को एज इट इज जो है वो आपने तैयार करना है, समझ के करना है। ठीक है, ये मैं आपकी सहूलत के लिए इसको आपके पास सेव भी कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में मुझे याद ना रहे और आप इसको पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते। क्लियर सर? इसमें हमारा 80+ का टारगेट होना चाहिए, इसमें 80+ का टारगेट होना चाहिए। क्रिमिनोलॉजी में 80+ का हमारे पास टारगेट होना चाहिए। अगर हमारे पास 80 से कम नंबर आते हैं तो वो कम है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में 40 नंबर नहीं लेने, 40 उसके भी आधे नंबर नहीं पड़ेगा, इसमें फेल कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल में नंबर लेने होते हैं, कंपल्सरी में सिर्फ पास होना होता है। कंपल्सरी में मेरी मुराद यहाँ पे इंग्लिश एस और प्रेस ही है, बाकी में भी नंबर लिए जा सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी में जितने भी नंबर आते हैं गुजारा हो जाएगा, बट इनमें से नंबर 80-80 तक आने चाहिए, ये जरूरी है। चलिए जी, विद दिस नोट हम इसको क्लास पॉइंट करते हैं। और आप सबसे जो है, जो जिन लोगों की क्लास है, नेक्स्ट क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, उसमें हमने कंट्रीज कंट्रीज के नेम, फ्लैग और बाकी चीजों को डिस्कस करना है। तो 8 PM पे इंशाल्लाह वहां पे मुलाकात होती है जी। जी, टेक केयर सर, खुदा हाफिज़।